और ये आठांगिक मार्ग की जो तीसरी सीढ़ी है, तीसरा स्टेप है, वो है सम्मा आजीवियो। यानी सम्मा जो आजीवो है उसको आप कह सकते हैं सम्यक आजीविका, या उर्दू में कहेंगे तो कहेंगे कि सही रिजक, इंग्लिश में कहेंगे तो बोलेंगे राइट लाइवलीहुड या राइट बिजनेस या राइट जो आपका वाणिज्य या व्यापार है उसको कह सकते हैं, यानी कि सम्मा वाणिज्य या सम्मा व्यापार। तो ये आजीवियो है, यानी जो आजीविका कमाने का साधन है वो सम्मा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। ये तीसरा स्टेप है, दरअसल जो आठ अंगों का हमारा मार्ग है उसमें ये तीसरा अंग है इस मार्ग का। इसमें जो आता है, इसकी एक लाइन की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि कोई भी ऐसा काम जो किसी को हानि पहुंचाए। ध्यान से सुने इस बात को, दुनिया का कोई भी ऐसा काम जो मनुष्य करता है और उससे दूसरे मनुष्य को या प्राणी को हानि होती है तो वो काम सम्मा आजीवो में नहीं आता, यानी सम्यक आजीविका में नहीं आता, राइट लाइवलीहुड में नहीं आता, यानी जो सही रिजक है उसमें नहीं आता। तो हानि किसी भी तरह से कहीं तक भी किसी भी मनुष्य को अगर होती है या प्राणी को होती है तो वो काम नहीं करना है कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो सही रोजी रोटी है नहीं वो। तो यहां एक लाइन में आ जाता है। तो यहां उन्होंने कुछ बताया भी है कि कौन कौन से ऐसे काम हैं उस समय जो नहीं करने चाहिए, और अभी तो वो बढ़ गए हैं। उस समय के कामों में आपने प्राणी को मारने का कोई भी सामान नहीं बेचना है, यानी कि हथियार नहीं बेचना है, तो हथियार बेचने के काम के लिए मनाही है। ये कितनी कमाल की बात है कि पृथ्वी पे मनुष्य रहता है और मनुष्य ने पृथ्वी पे सबसे पहले तो सारे प्राणी मार दिए, खत्म कर दिए, और जब प्राणी खत्म कर दिए तो ये बेवकूफ मनुष्य आपस में ही एक दूसरे को मारने का हथियार पे हथियार बना रहा है। और हथियार बेचने का बिजनेस दुनिया में सबसे बढ़िया बिजनेस इस मायने माना जाता है कि इसमें बिना कुछ किए अरबों रुपए खरबों रुपए आते हैं। यानी कि बनाया किसी कंपनी ने हथियार है, बेचा किसी और को है, और बिकवाने वाला जो बीच में दलाल है उसका कमीशन अरबों खरबों में होता है, बेचने खरीदने वाले भी कमीशन लेते हैं। हथियारों की दलाली में दुनिया में नंबर वन का कमीशन चलता है। और हथियार है किसके लिए, दरअसल मार किसके लिए रहे हैं, मनुष्य को ही मारने के लिए मनुष्य हथियार बना रहा है और मनुष्य ही हथियार खरीद रहा है। कोई मनुष्य से ज्यादा बेवकूफ प्राणी दुनिया में? जानवर को हम बेवकूफ कहते हैं, जानवर को कहते हैं जानवर है, जानवर तो बड़ा समझदार है, ये तो सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे का बेवकूफ। और है कौन से जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा अपने आप को बुद्धिजीवी, सबसे ज्यादा संभ्रांत, सबसे ज्यादा बड़े वैज्ञानिक, सबसे ज्यादा बड़े राजनेता, सबसे ज्यादा बड़े देशों के मालिक, सबसे बड़े ज्यादा देशों के लीडर और सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग कहे जाते हैं, वो ये काम कर रहे हैं, यानी हथियार पे हथियार बना रहे हैं। कहते हैं इतने हथियार बन चुके हैं कि पृथ्वी को 600 बार, ये पुरानी खबर है 600 बार की, तो ज्यादा बन गए होंगे, 600 बार खत्म किया जा सकता है। एक ही पृथ्वी को 600 बार खत्म करने का हथियार बना दिया, इसलिए भगवान बुद्ध की आवश्यकता है, उनके सिद्धांतों की आवश्यकता है कि हथियार बनाने की जरूरत है क्या, मनुष्य को मनुष्य के मारने की जरूरत है क्यों? तो मनुष्य ही मनुष्य को मारेगा तो बचेगा कौन, एक दूसरे को मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा, तीसरे चौथे को मारेगा, तो खत्म वैसे हो जाएंगे। तो किसी भी तरह का हथियार मारने का काम, बेचने का काम उन्होंने आजीविका के लिए बिल्कुल मना किया है। चाहे वो छुरी हो ऐसी जो आदमी को मार सके, चाहे तलवार है, चाहे बल्लम है, चाहे भाले हैं, चाहे पिस्तौल है, चाहे बंदूक है, चाहे एटम बम है, चाहे तोप है, चाहे जहाज में गोले हैं, चाहे मिसाइल है, कुछ भी तरह का कोई भी हथियार है, चाहे टैंक है या पेटेंट है या कोई जहर है या कोई दवा ऐसी है जो दूसरे व्यक्ति को मारती है या बीमार करती है या कोई गैस है या कोई सॉलिड है, कोई भी चीज ऐसी जो मनुष्य को प्राणी को मारती है, वो नहीं खरीदनी बेचनी है, उसका व्यापार नहीं करना है, वो बनानी भी नहीं है। दूसरा कहते हैं प्राणियों का व्यापार नहीं करना है। प्राणियों का व्यापार की तो बात छोड़िए, ये मनुष्य इतना निकम्मा है कि मनुष्य का व्यापार कर रहा है, मनुष्य के अंगों का व्यापार कर रहा है, आदमी को काट काट के उसके अंग बेचे जा रहे हैं, उसका सामान निकाल के दूसरे देशों को सप्लाई किया जा रहा है, बच्चों को दूसरे देशों में, जिसको कहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि एक बच्चे को, एक आदमी को दूसरी कंट्री में ले गए। खबरें आपने सुनी होगी कि कुछ कंट्रियों में जहां ऊंट की दौड़ होती है वहां बच्चों को मारा जाता है, बच्चे जब चिल्लाते हैं तो ऊंट दौड़ता है तो उन बच्चों को उससे बांध देते हैं ताकि वो डर के चीखे और ऊंट खूब जोर जोर से भागे। इसके अलावा गुलाम बनाने की प्रथा बहुत पहले से रही है, गुलाम आज भी बनते हैं, आज बेड़ियां नहीं दिखाई देती मगर आज उनको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो शिक्षा का अभाव है, बिना शिक्षा के या जो उनको कुछ समझाया नहीं जाता, उनके अधिकार छीन के गुलाम बनाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है।
तो ये होता है प्राणियों के व्यापार का, जो प्राणी है। इसके अलावा जो जानवरों को खरीदने का, बेचने का और जो जानवरों को बांध के रखने का व्यापार है वो अलग तरह से आता है। इस तरह का व्यापार नहीं करना है, मांस का व्यापार नहीं करना है। अब एक बात इसमें साफ देखिए कि भगवान बुद्ध ने मांस के व्यापार को मना किया है, प्राणी हत्या को मना किया है, मगर मांस को खाने को मना नहीं किया है। और इस पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो फिल्म बना बना के कई कई लाख लाइक और कई कई हजार और लाख रुपए कमा लिए हैं। दरअसल ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध ने मांस का व्यापार करने के लिए मना किया है, प्राणी हत्या को मना किया है। क्योंकि अगर आप मांस का व्यापार करेंगे तो प्राणी को पहले हत्या करेंगे, काटेंगे, मारेंगे, तब मांस बेचेंगे। तो जब काटना ही नहीं है तो फिर व्यापारी नहीं होगा, तो व्यापार को मना किया है, मगर खाने को मना नहीं किया है। खाने को उस मांस को मना नहीं किया है जो तैयार मांस है, यानी कि कोई अपने आप मर गया या कहीं जंगल में किसी जानवर ने मांस खा के शरीर का किसी प्राणी का आधा छोड़ दिया, या कोई बाज अगर कोई मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है और वो गिर गया, वो खा लिया, या किसी ने मांस पकाया है और आपको नहीं पता कि वो मांस है और आपके लिए पकाया है, आपको संदेह भी नहीं, आपको पता भी नहीं और वो आपके सामने परोस दिया, या किसी भिक्कू को अगर खाने के अंदर उसको मांस दे दिया। क्यों? क्योंकि भिक्कू खाने में चॉइस नहीं दिखा सकता। भिक्कू किसी दरबार में जाके ये नहीं कह सकता कि मैं ये पदार्थ खाता हूं, ये पदार्थ नहीं खाता। दरअसल अगर किसी ने कोई मांस लेके आया है, वो पका के आपको दिया है, तो वो पदार्थ की श्रेणी में आता है और भिक्कू अपनी इच्छा शो नहीं कर सकता। इसलिए जो उसे मिला है वो लेना पड़ेगा, वरना उसके नियम क्या अवहेलना हो जाएगी। मांस लेने के लिए ना हाँ किया है ना किया है, मगर भोज्य पदार्थ के लिए जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, ऐसा नियम है। तो किसी भी हालत में मांस का व्यापार नहीं करना। अभी तो मांस का व्यापार बड़ी बड़ी कंपनियों में होने लगे हैं, बड़े बड़े संभ्रांत लोग, बड़े बड़े ऐसे लोग जो पूरे दिन पूजा पाठ करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हम पाप नहीं करते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में लाखों पशु करते हैं और वो उन्हीं के नाम पर करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं काटने वाला गुनहगार नहीं है, वो तो मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मगर कटवाने वाला सबका गुनहगार होता है, यानी कि जो करवाता है गुनहगार वो है, जो उसकी आमदनी ले रहा है गुनहगार वो है, उसके बच्चों में असर जाएगा, उसके खानदान में असर जाएगा, सारा पाप उसको लगेगा और ये बड़ा भयंकर इसका रिजल्ट आता है। उन्होंने देखा है तो बताया है, मैंने तो थोड़ा बहुत देखा है अभी दुनिया में, बाकी उन्होंने पूरा देखा है इसलिए उन्होंने बताया है। फिर वो कहते हैं मद का व्यापार नहीं करना है। मद का मतलब है ऐसा कोई पदार्थ जो आपके मन और मस्तिष्क को खराब कर दे, मन को गंदा कर दे। मद माने होता है जो आपको जैसे सुरा मेर मज्जा, जो शराब है या जो नशीले पौधे हैं, पदार्थ हैं या ऐसी चीज हैं बेचने की। आजकल तो बहुत सारी चीज आ गई हैं, बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे ड्रग्स आ गई हैं, ये सारी मद की चीज होती है। दरअसल इनको क्यों मना किया है, जब भी आप मद का सेवन करेंगे, किसी नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे, तो आपकी शरीर की जितनी भी अच्छाइयां वो शांत हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, दुबक जाती हैं, भाग जाती हैं, और जितनी भी शैतान पाप वाली आपकी ताकत है वो निकल के बाहर जाती है। अधिकतर जो जुर्म होते हैं आदमी नशे में करता है, होश में आके कहता है ये मैंने क्या कर दिया, और नशे में वो हो जाता, उसे पता ही नहीं रहता कि जब उसने नशा किया था तो सारी अच्छाइयां भाग गई, सारे जितने भी जो अच्छे अच्छे थे लोग वो सब भाग गए, और जितने भी फरिश्ते थे वो सब चले गए और शैतान सारे आ गए। यानी फरिश्ते चले जाते हैं और शैतान आ जाते हैं बुद्धि पे और वो फिर गलत काम करा देते हैं। इसलिए शराब या नशा या मद के लिए व्यापार खरीदना, बेचना, उकसाना, बनाना सबके लिए उन्होंने मना किया हुआ है। एक विष के व्यापार को मना किया हुआ है क्योंकि प्राणी हत्या में आता है, तो विष का व्यापार भी, किसी भी तरह के विष का व्यापार, जहर का व्यापार नहीं करना है। मद भी विष में ही आती है, ये उस समय की बात है। अभी तो बढ़ गए हैं, अभी तो जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गेम दिए जा रहे हैं हाथ में, मोबाइल में गेम लगा लगा के दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर में गेम दिए जा रहे हैं, और वो गेम खेल खेल के अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। वो अपनी जैसे, क्योंकि नशा का जो काम होता है, जो शराब का काम होता है, वही गेम काम कर रहे हैं। उसमें भी लत लगती है, इसमें भी लत लगी हुई है, उसमें भी वो उसका एडिक्ट होता है, इसमें भी एडिक्ट होता है, उसमें भी शरीर खराब होता है, इसमें भी शरीर खराब होता है, उसमें भी समय खराब होता है, इसमें भी समय खराब होता है, उसमें भी पैसा खराब होता है, इसमें भी पैसा खराब होता है। तो ये सारे सिम्टम्स वही हैं। शराब में और जो मोबाइल के गेम चल रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, या जो मोबाइलों पे और जो आज की डेट में जिनको ब्लू फिल्म कहते हैं या पॉर्न फिल्म कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परोसी जा रही हैं, उसकी पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। वो काम, वो व्यापार बिल्कुल इलीगल है, वो व्यापार नहीं करना है, वो व्यापार सबसे गंदा है। इसके अलावा और व्यापारों में आ गया, जैसे झूठ फैलाने का व्यापार, यानी कि जो खबरें देने वाले लोग हैं, जो टीवी वगैरह पे और जो खबरें दे रहे हैं और जो गलत खबरें दे रहे हैं, जो भ्रामक खबरें दे रहे हैं, जो जनता के नुकसान की, जो देश के नुकसान की और देश को गुलाम बनाने वाली एक तरफा खबरें दे रहे हैं, जो तरक्की की खबरें नहीं दे रहे हैं,
वो किसी भी हालत में जो काम है वो सम्यक आजीविका में नहीं आता। इसके अलावा जो दुनिया के अंदर जितने करप्शन बढ़ गए हैं, वो करप्शन में जितना भी पैसा आता है वो सम्यक आजीविका में नहीं आता। जो मिलावट का सामान है, मिलावट का सामान बेचना, बनाना या मिलावट करना, वो सम्यक आजीविका में नहीं आता। इसके अलावा अगर कहीं आपने कोई मत दिया है, कोई बहुमत दिया है, कोई वोटिंग की है, तो उस वोट को खरीदना या बेचना, या उस कैंडिडेट को खरीदना बेचना, वो सम्यक आजीविका में नहीं आता। इसके अलावा जो आप जुआ खेल रहे हैं या जुए या लॉटरी या जो आपने कहीं पैसा लगाया, बिना मेहनत के आप पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे भले ही वो जो आपका इंडेक्स होता है, जो आपका व्यापार होता है, जिसको हवा में व्यापार चलता है, जिसका कोई ना माल खरीदते हैं ना बेचते हैं, जिसको सट्टा बोलते हैं या जिसको बोलते हैं कि ये इंडेक्स है, उस तरह का व्यापार भी इल्लीगल व्यापार में आता है, वो सम्यक आजीविका में नहीं आता। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आज के समय डेवलप हुई हैं, ये सम्यक आजीविका में नहीं आती। इससे बच के रहना चाहिए। मेहनत का पैसा खाएंगे, मेहनत का अगर खाएंगे तो आपके बच्चों में और आपके देश में तरक्की होगी। अगर आप असम्यक यानी जो असम्मा है यानी जो इल्लीगल तरीके से आप कमाएंगे या रोजी रोटी लेंगे, तो दुनिया आपको ब्लैकमेल करेगी, आपको परेशान करेगी, आपकी कहीं इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि सारा काम जो सम्यक आजीविका का है वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जब आप समाधि में बैठेंगे और अपने मन को एकाग्रचित करेंगे और वहां आप अपने सुख को प्राप्त करेंगे, तो दुखों को दूर करना है तो दुख तो दूर तब होगा जब आप पापों को दूर करेंगे, और पाप वाला काम करते रहेंगे तो पाप कैसे दूर होगा। ये तो ठीक ऐसे होगा कि जैसे आप गंदगी हटाते जाएं और गंदगी से ही नहाएं, यानी गंदे पानी से नहाएं, कीचड़ भरे से, और कीचड़ ही आपने हटानी है, तो कीचड़ से कीचड़ कैसे हटेगा। जिंदगी में गंदे पानी से गंदा शरीर की धुलाई नहीं होती, गंदे शरीर की धुलाई साफ पानी से होगी। जब आप गंदा पानी बंद कर देंगे, सम्यक काम करेंगे, सम्यक आजीविका करेंगे, तो फिर आपके नहाने का पानी शुद्ध हो जाएगा, फिर जितनी भी गंदगी है वो आपकी गंदगी निकल जाएगी और आपका चेहरा खिला खिला और शुद्ध सुख वाला आ जाएगा। तो सारा काम हम सुख के लिए कर रहे हैं। ये 8 अंगों का जो मार्ग है ये पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश है, लोग इस पे चल के मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये इसका 3रा स्टेप है। जो इसका 4था स्टेप है वो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। धन्यवाद। Team 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर Team 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam Sarinam Gacchami.
सर्वं गच्छामि धूतियं विबुधं सर्वं गच्छामि धूतियं धम्मं सर्वं गच्छामि गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि।